शीर्ष काले हाथी को मार दी जाए। The taste of victory. नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सबके साथ लगातार। आज लखनऊ की मुख्य खबरें विस्तार के साथ। पीआरडी मांगे कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ, होमगार्ड के समान सुविधाएं व यूजी और भत्ता दिलाए जाने एवं पीआरडी जवानों को भी नियमित करने तथा महानिदेशक पूल की भौती आईटीएस नियुक्त कर पीआरडी जवानों को युवा कल्याण से अलग कराए जाने के संबंध में महिला व पुलिस जवानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में महिला जवान शामिल हैं और सरकार से मांग रखी कि हमारा वेतन सामान्य वेतन के अंतर्गत शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एडीआई न्यूज लखनऊ। ये झूठा आश्वासन ना दें, जो भी करना है हमारे जवानों को हमेशा सहमत रखें और हर वक्त उनको ये झूठा पेपर में आउट ना कराएं। मेरे सीपी चंद जो अधिकारी हैं वो बार बार हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ से जो भी अधिकारी आता है बार बार एक ही बात कहता है कि आप लोगों को बापू भवन ले जाया जा रहा है, आपको विधानसभा ले जाया जा रहा है, आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को एक बार भी किसी भी अधिकारी से मिलवाया नहीं गया। आपकी संख्या कितनी है? 20,000 की हमारी संख्या है। इस धरने को आप कितने दिन चलाएंगे? इस धरने को हम लोग तो सोच रखे हैं कि अनिश्चित काल रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। हम महिलाओं को एकदम बेघर कर दिया गया है, बेरोजगार हो गए हम महिलाएं। हम लोगों को भर्ती तो कर लिया उन्होंने, लेकिन हम लोगों को कोई रास्ता नहीं दिया, कोई खाने का ठिकाना नहीं रखा। 250 रुपए में तो उनके कुत्ते बिस्किट और वो चॉकलेट खाते होंगे, मीट खाते होंगे, मछली खाते होंगे, जो 250 में हम लोग पूरा परिवार चलाते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोगों की बातों पर गौर करें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और हम लोगों को पूरी जो जो भी मांगे हैं हम लोगों की मांगे पूरी करें। रेगुलर ड्यूटी परमानेंट, हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो फिर कल वो चक्का जाम किया जाएगा और किसी भी शासन प्रशासन की बातें नहीं मानी जाएगी। मेरा नाम राम नरेश यादव है, मैं पीआरडी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे पीआरडी जवानों का शोषण और शोषण इस प्रकार से हो रहा है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई बार सरकार को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन पता नहीं सरकार तक हमारी बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। बीच के अधिकारी दबा देते हैं, हमारी मांग जैसे कि तैसे पड़ी है। आज तक किसी प्रकार की कोई मांग हमारी मानी नहीं गई। जैसे हमारी मांग पूर्व में थी कि हमारे विभाग में 1948 को एक एक्ट पास करके 14 पद सृजित किए गए और 14 में से 9 पदों को सृजित करके राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया और हमारे 5 पदों को छोड़ दिया गया, जिसमें ब्लॉक कमांडर, हल्का सरदार, दलपत, टोली नायक, रक्षक, इन्हें जो है स्वयंसेवक की श्रेणी में कर दिया गया।